हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी गुड जी फुल एक्साइटेड फैंटेस्टिक एट योर होम एंड एंजॉइंग योर स्टडी मटेरियल्स दैट प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल ओके सो एज यू कैन सी आई एम हियर विथ योर बुक आई एम योर इंग्लिश टीचर राहुल मिश्रा सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द ग्रामर ओके सो स्कूल में बुक्स आ गई हैं जिन बच्चों ने बुक्स ले ली हैं तो वो मेरे साथ अभी कंटिन्यू करेंगे और जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं वो स्कूल से बुक्स ले लें ताकि वो भी प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें अभी तक आपको जो स्कूल से मिला आपको पढ़ने के लिए मिल रहा था आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे पर अब बुक्स स्कूल में अवेलेबल हो गई हैं तो आप अपने सिलेबस पर भी फोकस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू एक प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं ओके सो एवरी वन विल कम विथ अ पेंसिल एंड अ सप्टिट्यूट कॉपी अपने साथ आप एक पेंसिल और एक कॉपी रखिए सो नाउ वी आर टर्निंग टू द चैप्टर ओके या दिस इज अव बुक या आवर चैप्टर फर्स्ट चैप्टर इज ऑन पेज नंबर फाइव सो सारे बच्चे पेज नंबर फाइव पे आए ओके या द फर्स्ट चैप्टर इज द सेंटेंस सेंटेंस का मतलब होता है हमारा वाक्य ओके रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं यह हम अभी पढ़ेंगे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं ओके द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्पोकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है चैप्टर का नाम है हमारा सेंटेंस तो पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का एक समूह एक ऐसा समूह जिसमें कई सारे शब्द एक साथ लिखे हों ओके और उनमें से हमें एक उन समूहों का शब्दों का एक अर्थ मिले ओके जैसे दिस इज़ माई पेंसिल या दिस इज़ माई बुक यह मेरी किताब है एंड विद फुल स्टॉप फुल स्टॉप लगता है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा ओके यह मेरी किताब है ओके okay? तो इस इन वर्ड्स में से हमें एक प्रॉपर अर्थ निकल रहा है कि यह मेरी किताब है दिस बुक माई इज इस। इससे हमें कोई एक प्रॉपर अर्थ नहीं मिलेगा तो ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ भी लिख दें कुछ कोई भी वर्ड्स ऐड कर दें तो वो हमारा सेंटेंस में काउंट होगा नहीं हमें सेंटेंस को एक प्रॉपर तरीके से लिखना है जिससे उसका एक अर्थ हमें पता चले कि हमने क्या बोला तो so, वो हमारा एक स्टेटमेंट होगा ओके okay? एक सेंटेंस होगा सो एज यू कैन सी हियर नाउ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स फर्स्ट द स्काई इज ब्लू आकाश नीला है ओके okay? हमें एक अर्थ मिला अंकुर वॉज प्लेइंग क्रिकेट अंकुर क्रिकेट खेल रहा था यहां भी हमें एक अर्थ मिल रहा है द पुलिस मैन कॉट द थीफ पुलिस मैन ने चोर को पकड़ा या पुलिस ने चोर को पकड़ा वाट आर यू राइटिंग तुम क्या लिख रहे हो इससे भी हमें एक अर्थ निकल रहा है ओके द सन राइज इन सूर्य पूरब में निकलता है प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए I आई in, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान यस yes, सर वेरी नाइट कितनी सुहावनी रात so, है ओके सो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस ये शब्दों के समूह एक सेंटेंस हैं, ओके ईच वन ऑफ देम एक्सप्रेस अ कम्प्लीट मीनिंग और इन सारे स्टेटमेंट या सेंटेंस से हमें एक मीनिंग मिल रही है तो ये हमारे सेंटेंस हैं ओके जैसा कि मैंने आपको बताया आ सेंटेंस बेगन्स विद अ कैपिटल लेटर सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है ओके एंड मोस्टली इंड विद अ फुल इस्टॉप और अधिकतर एक फुल स्टॉप के साथ एंड होती है या फिर क्वेश्चन मार्क हो सकता है और या एक्सक्लामेटरी साइन हो सकता है ओके okay? या एक आश्चर्यजनक एक्सक्लामेटरी साइन होता है ओके okay? एक्सक्लामेटरी का मतलब विश्व बोध बोलता गया आश्चर्यजनक ओके क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक चिन्ह ओके सो नाउ विल विल लर्न काइंड ऑफ सेंटेंसेस काइंड ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंस वाक्य के प्रकार काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वाक्य प्रकार देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं ओके okay?